हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। डीएसएसपी के द्वारा कुछ रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं और आप देख सकते हैं 16/12/2019 को, यानी थोड़ी देर पहले डीएसएसपी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से रिजल्ट आए। उससे पहले मैं कहूँगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को नीचे कुछ इस तरह दिख रहा होगा, जनरल कंपटीशन, इसके सामने होगा रेड बटन, इसे क्लिक कर लेंगे। जब भी आपका रिजल्ट आता है या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगा, सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अब देख लेते हैं जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, लीगल असिस्टेंट 11/19, यानी इसी साल का जो फॉर्म फिलअप करवाए गए थे उसका रिजल्ट आ चुका है आपके सामने। लीगल असिस्टेंट जो दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड में था उसका रिजल्ट आ चुका है। 5 वैकेंसी थी, यूअर का कितना था तो 4 था, ओबीसी का 1 था। फॉर्म कब फिलअप कराया गया था, तो 5 मार्च को फॉर्म फिलअप कराया गया था। यहाँ ध्यान देने की बात है, मैं कुछ आपसे बताना चाहता हूँ। उसके बाद देखिएगा, फॉर्म को फिलअप कराने के बाद एग्जामिनेशन कब लिया गया, 25 अगस्त को इसका एग्जामिनेशन लिया गया था। कितने बच्चे गए थे, तो 135 बच्चे एग्जामिनेशन देने के लिए गए थे। कट ऑफ कितना गया है, तो यूअर का गया 107.04, ओबीसी का गया 96.93। अब यहाँ इनको डॉक्यूमेंट्स के लिए बुला लिया गया है, डॉक्यूमेंट्स अपना अपलोड करना है ईडोज़ियर में। तो यहाँ पर 19 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब देखिए, यहाँ ध्यान देने की बात ये है, डीएसएसबी देखने को ये मिल रहा है कि ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है, जो कम पोस्ट है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है। अभी देखिए, यहाँ पर 5 मार्च को इनका फॉर्म का लास्ट डेट था, फॉर्म फिलअप कराया, उसके बाद अगस्त में इनका पेपर ले लिया, फिर रिजल्ट भी आ गया 16/12, मतलब अभी तक आज रिजल्ट आ गया, इनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है। मतलब एक साल के अंदर इनका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ज्वाइनिंग भी एक साल के अंदर मुझे लग रहा है कि 9 महीने 10 महीने में इनका रिजल्ट दे देंगे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ ही चुका, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा। तो मतलब यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है, ज़्यादा जिसमें वैकेंसी है उनको पीछे कर रहे हैं, जो कम वैकेंसी है उनको ज़्यादा आगे दे रहे हैं। जितनी रिजल्ट अभी आई है, देखिए और एक रिजल्ट आया हुआ, ये देखिए यहाँ पर रिजल्ट आया, ये भी मतलब पुराना रिजल्ट है, लेकिन जितनी वैकेंसी आ रही है, जितनी कम पोस्ट हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। यहाँ देखिए 39/12 असिस्टेंट जो है, असिस्टेंट में आया हुआ वैकेंसी का जो निकाला गया था, तो उसमें 6 पोस्ट था, यूआर में 3 था, ओबीसी में 2, एससी में 1। इसका भी रिजल्ट आ चुका है आपके सामने, वैकेंसी कितनी है। तो यहाँ पर यूआर का 3 था, ओबीसी का 2 और 1 था। कितने बच्चे पास किए हैं, तो 2 ही बच्चे पास कर पाए हैं, जिसमें यूआर के 97 नंबर कट ऑफ गया है और एससी का क्या 93.25 वैकेंसी में कट ऑफ गया हुआ है एससी के लिए। और उनको भी बोला गया है कि डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए, से बोला है इनका टायर 2 होगा मुझे लगता है। तो यहाँ पर डिटेल बताया गया है, यहाँ पर जो भी होगा इनका टायर 2 होगा। यहाँ देखिए टायर 2 के बारे में बताया गया है, बच्चे टायर 2 में 47 बच्चे पास हुए हैं। तो यहाँ पर भी यही देखने को मिल रहा है कि जितने भी कम पोस्ट हैं सभी बच्चों को जल्दी बुला ले रही है, जितने ज़्यादा पोस्ट वाले को पीछे कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जितने छोटे छोटे पोस्ट हैं का रिजल्ट जल्दी आने वाले से, 19/15 का रिजल्ट जल्दी आने वाले है ऐसा सुनने में आ रहा है मुझे, उनका भी कटअप बन चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए कि रिजल्ट आया हुआ है, रिजल्ट चेक कर लें अपना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।